नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सतना में मौजूद हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता है सतना, और चुनाव में, दूसरे चरण के चुनाव में लगभग 48 घंटे बाकी है। उससे पहले ग्राउंड पर क्या कुछ माहौल है, लोगों से लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और तमाम लोगों को हमने इकट्ठा किया है। चौक चौराहे से आने जाने तमाम वाले लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है, बातचीत करेंगे चुनाव से पहले क्या कुछ माहौल ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब, नाम बता दीजिए ज़रा। राजेश्वर प्रसाद गौतम है। तो गौतम जी, तो बताइए जरा, चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस क्या होगा इस बार? कांग्रेस का आंधी। अच्छा, कांग्रेस की आंधी? आंधी को नहीं रोक सका। अच्छा, क्यों लगता है आपको? इसलिए कि इनके प्रशासन से त्रस्त हो चुकी है जनता। अच्छा, किनके? बीजेपी वालों से। अच्छा, इसलिए सब मुड़ उधाए है कांग्रेस को। अच्छा, यहाँ तो 20 साल से सांसद जी है, क्या लग रहा है सतना का कितना विकास हुआ? विकास यह बहा कि सन 78 से अधूरा पड़ा श्याम नगर बांध। अच्छा। तो न मुख्यमंत्री ध्यान दे। हाँ। न प्रधानमंत्री ध्यान दे। अच्छा। तो किसान जौन है। हाँ। त्राही त्राही माह में। हाँ। लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी कह रही है 400 के पार, अब की बार 400 के पार, आपको क्या लगता है? 111 बस। अच्छा, 400 होती नहीं है। अच्छा। 400 विषम संख्या में आवत है, 111 सम संख्या में आवत है। अच्छा, ऐसे जाऊँ ना। हाँ। सम संख्या नहीं हो रही। 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, कह रहे हैं आपकी बार जो है 400 से ज्यादा सीटें लेकर आने वाले। नारा को दे सका थे। हाँ। नारा हम दे सके थे। हाँ। तो मतदाता का जो रुझान है। हाँ। वह इनके विपरीत है। अच्छा, विपरीत। हाँ। है। और क्यों है विपरीत? वो तो कह रहे हैं तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं, 2 बार सरकार बन गई, हम चाहते कि बना ले सरकार। 1 साल 3 महीना हमारे किसान भाई इनका दिल्ली के बॉर्डर में बैठा रखिन, MSP माही कानूनी गारंटी दे में। अरे, साफ साफ दरबार रहा था हमारे, कड़े वादा रहा था। मीडिया में ऐसा नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि हमारा किसान भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब 1,40,00,000 उनका परिवार है, तो वही किसान क्या उनका परिवार नहीं है? लेकिन वो तो कहते हैं 1,40,00,000 जो लोग हैं वही जीता है। हाँ, परिवार है और वही जिताएंगे, कह रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं। फिर वो किसान जो आंदोलन में बैठे थे, क्या वो उनके परिवार नहीं है? यदि अगर हैं तो उनके साथ में क्यों भेदभाव किया गया? प्रधानमंत्री को तो दिल खोल के वहाँ पे जाना चाहिए किसानों के बीच में, और वही किसान है जो वोट आज दे रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं किसानों के लिए खूब काम किया है। जो भी किए होंगे वो सामने है, 26 के बाद जाने मिल जाए जगह जहाँ हो। अच्छा, तो 26 को फैसला कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, लास्ट ये बताइए कि जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है और गारंटी की भी गारंटी है, क्या लगता है आपको? कोई गारंटी नहीं है। हाँ। जिंदे की तो गारंटी नहीं है, मरे के बाद किसकी गारंटी है? अच्छा, कोई गारंटी नहीं है, स्वयं की गारंटी। लगता है? नहीं है कि देश को मजबूत किया प्रधानमंत्री ने? देखिए, गेहूं का रेट जौन है 3100 होना चाहिए। हाँ। इसलिए कि वो बजनी दाना है। हाँ। और धान जो है हल्का दाना, इसका 2700 रेट होना चाहिए। हाँ। तो सरकार चाहे केंद्र में हो या चाहे राज्य में, इन दोनों की मिली भगत से किसानों को वैसे हसिया जैसे काटा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में तो बोला था हो गया, तो मिला क्या? हो कहाँ नहीं मिला। अच्छा, कोई नहीं दे रहा। अच्छा। सब हवा हवा आई है। 5 लाख का जो कार्ड बनाया गया है आयुष्मान कार्ड। हाँ। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल सम्मिलित नहीं की गई इसमें, कार्ड लिए भाग रहे हैं। न सांसद मदद करता है, न विधायक मदद करता है। अच्छा। तो किसके पास जाएंगे, कौन सुनेगा? प्राइवेट आदमियों को होना चाहिए अधिकार। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या माहौल है, 400 का पार का जो नारा है वो क्या लगता है? मेरा तो अपना एक अनुमान ये है कि राष्ट्र का, मजबूत राष्ट्र का विकल्प मात्र मोदी जी हैं। अच्छा। ये चुनाव किसान की लड़ाई अपनी लड़ाई है। हाँ। युवा की भी लड़ाई अपनी लड़ाई है। हाँ। देश की लड़ाई का चुनाव होने जा रहा है, और देश की लड़ाई के लिए उसमें एक मात्र कमल निशान है मोदी सरकार। लेकिन ये बताइए, जो देश की लड़ाई है, आप कह रहे किसान का मुद्दा अलग है, अगर हम किसान को और युवा के को हटा देंगे तो देश की लड़ाई में बचेगा? मोदी जी ने 4 जातियों पर देश का निर्माण कर लिया है। किसान उनकी जाति है। हाँ। युवा उनकी जाति है, बॉर्डर पे अभी भी बैठे, महिला उनकी जाति है। हाँ। मतलब ये उनकी जो 4 जातियां, मजदूर और गरीब उनकी जाति है। इन 4 जातियों का जो, 4 जातियों में जो मतलब बंटवारा करके रखा गया है। हाँ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, मोदी जी सबका साथ सबका विकास के नाम पर, कहा किसान उनकी जाति है, ठीक है, किसान अभी भी बॉर्डर बैठे हुए हैं, पंजाब के बॉर्डर। देखिए, ये तो विपक्ष की पॉलिटिक्स है। अच्छा। ये विपक्ष का अपना एक मुद्दा है। हाँ। जो कि मोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना इनका
प्रोपोगंडा है, जनमानस में इनका अस्तित्व कुछ बचा नहीं है। अब ये कैसे, मतलब ये प्रोपोगंडा फैला के बताइए कैसे कह रहा, जनता के बीच कुछ बचा नहीं है, किसान के साथ है, गरीब और महिलाएं साथ में है। हम तो कहते हैं कि सबको बीजेपी का वोट दे दें, हित अनहित पशु पक्षी जानत है, आदमी कहे न जानी। अब जब चुनाव आवत है इसमें जनता स्वयं फैसला कर दी, न मोदी का कौन आया न कहू का कौन आया है। अच्छा, किसानन के जौन बात थी वो सबको जानत है। अच्छा, त्राहिमान त्राहिमान त्राहिमान, वो तो कह रहे खुशहाल 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 है, तो वही तो हम ही चाहते हैं कि खुशहाल है तो आगे और खुशहाल कर दे। हाँ, कोई नहीं है खुशहाल, कोई किसान खुशहाल नहीं है। लेकिन वो तो कह रहा है कि विदेश तक, अभी भैया ने बोला कि विदेश तक लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बने हमारे देश में भी बने, वखर कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ। पर जौन मुसीबत है, जौन कठिनाई है, वो परेशानी है, वही समाधान करिए तब आगे बढ़िए, नहीं तो ना बढ़िए। एसपी सरकार विधानसभा में धान 3100 बोली है तो 22 रुपए दिए है, 3100 की जगह 2200, और गेहूँ 2700 बोला गया रहा, 2275 मिल रहा है, चिल्ला रहे 2400। तो मतलब ये जो विधानसभा में वादे किए, किसानों के विरोधी है केंद्र सरकार, ये किसानों के लिए कुछ नहीं देती सत्ता। किसी ने मांगा नहीं था धान, न धान का पैसा मांगा था, न गेहूं का पैसा मांगा था। इन्होंने अपने विधानसभा में एजेंडे में लिखा था कि किसानों को 3100 रुपए धान का पैसा मिलेगा और 2700 रुपए गेहूं का पैसा मिलेगा। तो 2200 रुपए धान का पैसा मिला है और 2275 गेहूँ का मिल रहा था, पूरा नहीं हुआ। कहाँ हुआ, कह किसी भी किसान से पूछ लो, मैं दिखा सकता हूँ, मैं अभी पीठ करा के आऊँ। ये देखिए 2275 के रेट से पैसा आया। अच्छा अच्छा, ये बताइए सिलेंडर को लेकर विवाद आया, सिलेंडर जो है, सिलेंडर ये छोटी मोटी चीज है, एक सिलेंडर 3 महीने के लिए पूछ जाता है, ये गांव घर है, यहाँ सब कोई लकड़ी कंडा बीन लेते ही 2200, ये देख लिया 2275 रुपए पर कुंटल, और बताएं 2700 रुपए, 2200 का रेट ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। 75 का मैसेज पड़ा सामने दिखा रहा हूँ लाल साहब, और राजनीति ने बताई यह मैसेज है, आपो देख ली। बताइए विधानसभा में कुछ ऐसे वादे थे जो पूरे हुए, ये हम किसान है ना, हमें पानी बिजली गल्ला का रेट चाहिए, कुछ नहीं मिला। ये बीजेपी कह रही है आपकी बार 400 पार, कुछ क्या कह के पर है, 20 साल से किसान सर जी आए हैं, कहा दाई नहीं हमी सतना में। अच्छा, 20 साल से गणेश सिंह जी हैं। हाँ। और गणेश सिंह से पहले रीवा में सांसद बीजेपी के बाद माओ है। हाँ। तो आज रीवा हमारा कहाँ, सतना कहाँ है? अच्छा, सतना विकास नहीं हुआ, कहाँ है विकास? वो 7 साल में पुलिया बनी है, तो उम्र दी गाड़ी जाती है तो एक्सीडेंट हो जाती है, कहाँ है विकास? 20 साल तक आप चुनते रहे लगातार, 20 साल से चुन रहे हैं ना, 20 साल 30 साल 30 साल 30 साल 10 साल इनके पहले बीजेपी, 20 साल ये, कहाँ है? तो इन सांसद को जो 20 साल चुना तो कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिसके बारे में, हमको 5 किलो गेहूँ नहीं चाहिए। अच्छा, हमको काम चाहिए। हाँ। काम कहाँ दे रहे हैं, हमको भीख नहीं चाहिए, हम मेहनत से कमाएंगे, बताओ काम कहाँ? मोदी जी ने बोला साल में 2 करोड़ रोजगार दिया, कहाँ है हमारे पास 2 करोड़, कहाँ है 2 करोड़, कहाँ है 2 करोड़? हमको वो भी नहीं चाहिए, हमारे माँ बाप को जो 400-500 देते हैं वो भी नहीं चाहिए, काम बताओ कहाँ है हमारे। 400 पार का नारा बीजेपी कह रही है, आपको क्या लग रहा है? ना हो पाएगा, मुमकिन है। अच्छा, क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए जो नीचे वाले नेता हूँ अपने बनाते हैं, जनता की नहीं देखते हूँ। अच्छा, जनता की नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। सतना में क्या लग रहा है आपको, सतना में क्या? सतना में तो खत्म है, गणेश सिंह जो सांसद जी हैं सिर्फ ये अपना बनाए हैं। अच्छा, बस इसका बनाए हैं, जो कुछ भी बनाए हैं, गरीबों को आज तक कुछ ऐसा काम नहीं दिए, रोजगार नहीं दिए कि वो बेचारा खाए पिए पेट भरे। अच्छा, नहीं दिए तो 20 साल तक कैसे बनते रहे फिर बार-बार? बस हो गया, अब अभी तो हम 2 पंचवर्षीय से वोट डाले हैं। हाँ, इसके पहले तो हम वाले नहीं हैं। अच्छा, जी। तो 2 बार आपने कभी दिया फिर बीजेपी सांसद को? जी दिए हैं। दिए? अब की बार क्या हो रहा है? इस बार ना देंगे। अच्छा, इस बार नहीं देंगे? बिल्कुल नाराजगी हो गई? बिल्कुल नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी। अच्छा, ये बताइए केंद्र को लेकर क्या लगता है, जो 400 पार का नारा है और कह रहे हैं कि भैया मोदी की गारंटी है? अरे सब ऐसे है ना, रवारा सब ऐसे है। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री है कि विदेश में भी ऐसे प्रधानमंत्री की डिमांड है। अरे हो गया, बड़ों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। वो तो कह रहे सबसे पहले मोदी जी ने कहा था मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीबों का बेटा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि 1.5 करोड़ के कपड़ा पहनते मोदी जी गरीब है? लेकिन वो प्रधानमंत्री है तो पहनेंगे नहीं? नहीं पहन सकता है, हमारे विधायक जी नहीं पहने, 500 का कुर्ता पैजामा पहना थे। अच्छा, हाँ, तो प्रधानमंत्री है मोदी जी, 1.5 करोड़ के कपड़ा, 1.5 करोड़ के घड़ी को निमांध है। हाँ। ये जो कह रहे हैं कि 20 साल से सांसद जी है, काम नहीं हुआ, देखिए काम हम सब होते हैं, शासन में जो बैठता है वो काम करता है। क्या किया? देखिए लाडली लक्ष्मी योजना में, वो तो मुख्यमंत्री ने किया, यहाँ सांसद ने, यहाँ सांसद ने लाए हैं, कौन कौन सा योजना? मैं लिखा भी हूँ थोड़ा सा,
आयुष्मान कार्ड बनवाया, एक लाख प्रधानमंत्री की योजना, हाँ प्रधानमंत्री की हो गई, खाद्यान्न राशन है, ये मुख्यमंत्री की योजना, हाँ किसान सम्मान निधि है, ये प्रधानमंत्री की योजना हो, दोनों हो गई, गैस सिलेंडर वो प्रधानमंत्री की योजना, हाँ और सांसद जी ने क्या किया? अरे सांसद जी का इको का करी नहीं, अच्छा, है सुखलाल भाई का करी नहीं, या डब्बू का करी नहीं, ये बताइए। 20 साल से है ना, जवाब तो मांगेंगे ना। अरे तो जो शासन में आज 70 साल रहे, हाँ, वो तो करके चले गए, हाँ, अब आज के प्रशासन में, हाँ, ये कांग्रेस से अच्छा तो बीजेपी ने अच्छी है, अच्छा बिल्कुल बढ़िया बढ़िया है। कितने पार? ये 400 पार। 400 क्यों पास? बिल्कुल 400 पार। पुराना कांग्रेसी हूँ मैं, मुझे इस बात का दुख हो रहा है, ये भ्रष्ट है कांग्रेस, ये पैसा लेके सीट बेच। कब आए इधर? मैं इधर आया हूँ जब यादवेंद्र सिंह इसमें परिवर्तन किए हैं। कितने साल पहले? अरे अभी 3 महीना पहले मान लीजिए। बिल्कुल 3 महीने, हाँ हाँ। तो और 70 साल से तो आप कह रहे हैं भ्रष्ट है कांग्रेस, अब वही थे आप जो वो करके रही वो चली गई। आज के नेता जो हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के साथ आप भी थे भ्रष्ट या फिर नहीं थे? देखिए जब हम लोग थे कांग्रेस में, हाँ, उस टाइम पे भ्रष्ट नहीं थे। आज आज का माहौल ऐसा है, देखिए आज 3 महीना हुआ इनको अभी कांग्रेस छोड़े, हाँ ये सब 3 महीना पहले तो कह रहे हैं 70 साल से कांग्रेस आए, अभी 2 दिन पहले कब बीजेपी में आ गए, ये क्या बोलेंगे? सच्चा बहुजन में क्यों आए? ये यादवेंद्र सिंह जैसे नेता की इन्होंने टिकट बेच दी भोपाल से, क्यों बेच दी? 20 साल कांग्रेस को सींचा यादवेंद्र सिंह ने, उसके टिकट काट के क्यों इन्होंने रख दी? टिकट बेच दी जो आदमी, वो वाला जवाब दो, 70 साल में अगर कांग्रेस भ्रष्ट थी तो आप भी साथ में थे? नहीं, 70 साल पहले कांग्रेस बहुत अच्छी थी। अच्छा 70 साल पहले अच्छी थी, ये जो पुराने नेता थे वास्तव में चाहे भ्रष्ट कब से हुई? भ्रष्ट हुई है ये कांग्रेस अभी 1-2 पंचवर्षीय से, 10 साल से तो 8 साल 10 महीने तो आप भी साथ में रहे, 9 साल 10 महीने। देखिए आदमी रहता है कहीं ना कहीं तो काम करता ही है, लेकिन दोनों को मजबूरी में कर रहे हैं, दोनों को परिवर्तन किया जाए तो आज आज कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट है आज के मौजूदा समय में। 22 जनवरी के बाद चलिए चचा बता दीजिए क्या सोच रहे हैं चुनाव में, क्या माहौल? चुनाव में माहौल बढ़िया है। किसका है माहौल? तो अभी सबका दिख रहा है, 400 पार होगा नहीं होगा? 399 एक सीट कम क्यों हो गया है? यहाँ की एक सीट का, अच्छा यहाँ ये हार जाएंगे, सतना हटेगी, ये क्या कह रहे हैं? सतना में क्या माहौल बताइए? सतना में माहौल ठीक है। किसका है बता तो दिए ना, 4 बार के सांसद हैं, क्या कुछ किया है सतना के लिए? यहाँ तो कुछ नहीं किया हमारे यहाँ, हम नहीं जानते। अच्छा हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो 4 बार आप लोगों ने बनाया ना? अरे बनाए हैं तो मतलब समय था अब जातवाद वाला खेल चल रहा है। अच्छा हर जगह तो इस बार समय उनका खराब चल रहा है क्या? अब समय 4 तारीख को बताए, 4 तारीख को है? तो आपने कहा कि 399 सीट आएगी, एक सतना वाला हार जाएंगे, ऐसा क्यों थोड़ा बताइए? तो ठीक है ना, यही समझिए, देखिए दूसरे को आप ही बताइए। चलिए अरे श्रीमान जी, राज मोदी ही विकल्प है, मोदी वो समझ गया, वो तो उन्होंने बोल दिया 400 पार, एक सीट कम क्यों कर दिया सतना वाला? एक सीट कम कहीं कहीं नहीं हो रही श्रीमान जी, वो अपनी जगह दुरुस्त है, मजबूत है। चलिए भैया ये जनता है, 4 तारीख को लग जाएगा। चलिए भैया देखिए ये मध्य प्रदेश की जनता है और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर, क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ बातें चल रही है चौक चौराहे पे। फिलहाल जो है 48 घंटे चुनाव को लेकर बाकी है और ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे कि तीसरे चरण में क्या कुछ चलेगा वहाँ भी चलेंगे और लगातार दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।